मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल करने का क्रम जारी है। चुनाव से पहले प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मुन्ना मानकर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हाथ का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के समक्ष प्रदेश कार्यालय में कुनबी समाज के बैतूल जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता यशवंत मुन्ना मानकर के साथ 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन महामंत्री ने मानकर और कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न है। यहाँ परिवार भाव से हम मिलकर काम करते हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो आज भारत ही नहीं अपने पूरे विश्व में इस भारत देश का नाम चाहिए पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उनके साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी और सम्मानित मंच सभी लोगों के कार्यशैली को प्रणाम करता हूँ और इनसे मैं अत्यंत हर्ष के साथ सभी की कार्यशैली से संतुष्ट होकर मुझे अपने इस आज पद ग्रहण करता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का और धन्यवाद। वो कांग्रेस थी जिस कांग्रेस में राजीव इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाएंगे, ये वो कांग्रेस थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कहते थे कि 1 रुपया गरीब के लिए भेजते 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। आज हमें गर्व है कि आपने सभी कांग्रेस में उस समय जो लोग रहे आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब इस देश के अंदर गुड गवर्नेंस देते हुए तय कर दिया अगर 1 रुपया गरीब के लिए भेजते तो जनधन अकाउंट के माध्यम से अब इस भारत के अंदर राजनीतिक आज के परिदृश्य में जो परिवर्तन हुआ है कि कोई दलाल और बिचौलिया भारत के अंदर नहीं है। अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगामी आने वाले 2023 जो महासमर शुरू हो गया है यह दिखाई देता है कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में आज इतनी बड़ी संख्या में मुन्ना मानकर जी के साथ सभी हमारे सरपंच जो लोकतंत्र की हमारी सक्षम इकाई है सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सब लोगों को स्वागत के साथ और हम सब मिलकर के एक ताकत बनकर के 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनेगी। पुनः एक बार मुन्ना भाई और आप सब लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय जय भारत। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष मैं बाबूलाल शुक्ला जी, हमारी महिला मोर्चे की सम्मानी प्रदेश की अध्यक्ष और उपस्थित हमारे आज जो इस ज्वाइनिंग के प्रमुख मुन्ना मानकर जी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सभी सरपंच और सभी जो बंधु आज बैतूल विधानसभा के इतनी बड़ी संख्या में आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुन्ना भैया आपने जो सामाजिक दृष्टि से भी कुनबी समाज से लेकर सामाजिक भूमिका आपकी जो महत्वपूर्ण रही है 10 सरपंच आज आपके साथ और इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइनिंग आप सब लोगों ने ली है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम
कार्यकर्ता आज आप सब लोगों ने ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको ये अवश्य लगेगा कि हम अपने परिवार के अंदर आ गए। इसलिए मैं आपका पुनः एक बार सबका भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया का भारत के नेतृत्व पर विश्वास जो जागृत हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है। आज भारत जिस प्रकार से विकास की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है, तो गरीब कल्याण में भारत ने आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, कल ही मैं प्रेस को संबोधित कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर तो नीति आयोग ने पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया, तो मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। बैतूल जिले से मेरे युवा साथी और गांव गांव से आज मिले सभी साथीगढ़ चाँदपुर अगर करता हूँ, क्योंकि मैं घर वापसी कर रहा हूँ, मेरे पिताजी और मेरा परिवार पूरा बीजेपी अपॉइंटेड था और है, और बीजेपी के मेरे पिताजी विषयबंदी में जेल भी काटे अंदर गए और इनके कार से उनके मतलब उच्चा की उच्चा से मैं अपने आपको बीजेपी के कार के लिए आज मैं सम्मिलित करता हूँ। कितने कार्यकर्ता होता है लगभग 250 लोग, 250 से 300 सबसे पहले कांग्रेस से 5 साल में कांग्रेस रहा हूँ, उसके पहले तो बीजेपी, इसके पहले मैं बिल्डर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में जो भी जवाबदारी रहेगी मैं उसे अपने कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ और निभाऊंगा। युवा सबके साथ देगा आपको पूरा नाम, मेरा नाम यशवंत पानकर है और मैं अभी वर्तमान में बैतूल जिला वेयरहाउस का अध्यक्ष हूँ, एवं समाज के अंदर भी अन्य पदों पर मैं पहले भी कार्य कर चुका हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ हिंदी समाज हिंदी समाज सेवा संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।